जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वह AOC की भर्ती को लेकर, और आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे ट्रेन चल रही है, तो मेरे को लगा कि अपडेट देनी चाहिए क्योंकि मैंने सारा दिन में डाटा कलेक्ट किया था, ड्यूटी टाइम में वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने सभी जगह से डाटा कलेक्ट करके ये वीडियो बना रहा हूँ, कहाँ पे क्या हुआ क्या पे है, तो आप अपनी वीडियो ये जो भी वीडियो पूरी देख लेना, और मैं जो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप ये वीडियो देखो जो जिसमें मतलब भर्ती में जाने वाले कैंडिडेट ने खुद का ओपिनियन दिया है भाई हमारे साथ क्या क्या हुआ, तो पहले ये वीडियो देखो। बीच में रोक दिया था, फोन आ गया था, तो ही बता के कह रहे हैं फिर सारे क्वालिफाई थे बेटे, तैयारी कर रखी थी लड़कियां ने 50 KG की, तो था उनका 63 कुछ KG, तो जितनी भी थी आई थिंक 45 लड़की थी मैंने गिनी थी गेट पर है, जो अंदर हुई तो फिजिकल तो मतलब वेट में साड़ी बारह रह गए भाई, बॉयज थे 100+, तो उनमें से 11 का किस्ता पर हो रहा है, तो अपना भाई इनका आर्मी की करो तो तैयारी, अपने जमकन है पहले ही मेहनत कर लियो, वरना भाड़ा लाने का कोई फायदा नहीं, इसने गोड़ दी पे 2-3 हजार रुपया की रेट खुद से उठाना है, मेन बात यह है ना उठा कर देंगे कुछ नहीं करते हो, खुद से कोई किसी की नहीं करेगा भाई, जमीन पे तो उठाओ उस टाइम से टाइमिंग शुरू हो जाए, खुद से ही नहीं दे और तो और कंधे पर रखो और अपने ले जाओ उठा कर, बस ठीक है बाकी कोई दिक्कत नहीं, सारे कोई नहीं टेंशन कुछ नहीं भाई, पहला रुका पड़ लिया था गेट का, तो होना है फोन आम चीज आया तो 63 किलो और की तीन में 40-40 किलो वेट उठना था मुश्किल था, तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि अभी तक एक भी लड़की क्वालिफाई नहीं कर पाई, और ये मैंने पहले भी बताया था क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था ना मैंने वीडियो 3-4 दिन बाद बनाया, तो तब तक सभी लगभग फॉर्म भर चुकी थी, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी लड़कियों को लेके भाई आप किस में अप्लाई करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में मैंने पहले बताया था कि ये जो AOC की भर्ती आती है इसमें लड़कियां अलाउड नहीं होती, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट आता है, लेकिन इसमें पहली बार उन्होंने लड़कियों को शामिल किया था, लेकिन सिर्फ रेस का क्राइटेरिया दिया था, फिजिकल में बाकी क्राइटेरिया सेम रखा था, उसका भी मैंने कारण बताया था किस लिए रखा है, तो अभी क्या है जिन लड़कियों ने रेस वगैरह रॉक क्लाइंबिंग कर ली तो वो वेट में रह गई है, तो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करना, और बाकी अभी मैं अपडेट देता हूँ अलग अलग के जो जगह है मैंने डायरी में नोट भी कर रखा है आप देख सकते हो, तो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या हुआ था आज आपको, शायद जो अनाउंसमेंट हो रही है स्टेशन पे वो आ रही होगी, तो सबसे पहले मैं शुरू कर देता हूँ ऊंची बस्सी नहीं या वीनागुड़ी की बात बताता हूँ, वीनागुड़ी सबसे दूर है, तो वीनागुड़ी में लगभग 500 कैंडिडेट बुलाए थे, 500 में से 80 जो लड़के पहुंचे और 20 सर्विसमैन पहुंचे और 5 लड़कियां पहुंची, जिसमें से 8 ही लड़के क्वालिफाई कर पाए, एक सर्विसमैन क्वालिफाई कर पाया, और वहां पे पूरा 6 मिनट दिया था और रनिंग रोड पे हुई थी। अभी बठिंडा की बात करूं, बठिंडा में लगभग पूरा 6 मिनट टाइम मिला था, ग्राउंड में रेस हुई थी, लेकिन वहां पे ग्राउंड में कंकर वगैरह है तो आप अपने जूते पहन के जाना, लड़कियां एक भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, 300 कैंडिडेट पहुंचे थे, लड़कियां थी लगभग 45 के लगभग, तो जो क्वालिफाई लगभग 30-40 लड़के लास्ट में मतलब फ्रेशर क्वालिफाई कर पाए हैं, तो सबसे ज्यादा लड़के वेट उठाने में निकले, जो 63.5 KG वेट उठाना पड़ रहा है, तो वेट उठाने में कोई हेल्प नहीं करी जा रही, वेट आपको ग्राउंड से खुद उठाना पड़ रहा है 63.5 KG, और आप लाइन में खड़े कर दिए जाते हो, उसके बाद विसल बजा दी जाती है, उसके बाद ही आपको वेट उठा के दौड़ना है, उस 96 सेकंड में ही आपको वेट उठाना भी है और कंप्लीट भी करना है, तो ये आप ध्यान कर लेना, ये सभी मतलब यही हुआ था। ऊंची बस्सी में 30-30 का बैच बना था और पूरे 6 मिनट मिले थे, तो वो 6 मिनट में लगभग रेस्ट तो लगभग कर देते हैं कैंडिडेट जिनकी तैयारी है, क्योंकि इस भर्ती में लगभग ज्यादा नंबरों वाले बंदे आए हैं, तो जिनकी तैयारी नहीं है तो रेस्ट नहीं कर पा रहे, तो वहां पे भी इतना ही टाइम मिला था, और सबसे ज्यादा कैंडिडेट कट्टे में बार हुए थे, लालगढ़ में भी 30-30 का बैच बना था, ऊंची बस्सी में रोड पे रेस हुई थी और लालगढ़ में 30 का ही बैच बना था, पूरे 6 मिनट मिले और रोड पे रेस हुई, वहां पे भी लगभग ठीक ठाक कैंडिडेट पहुंचे थे लेकिन कट्टे में वहां पे भी निकल गए, और भरतपुर में ग्राउंड में रेस हुई थी और सुबह मतलब 8 बजे रेस शुरू हो गई थी, 6 मिनट का टाइम मिला था और
400 लोग कैंडिडेट आए थे, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट कट्टा उठाने में निकल गए। टाइम पूरा 6 मिनट मिला था, लेकिन बहुत ही कम कैंडिडेट 6 मिनट में क्वालिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना तैयारी वाले कैंडिडेट ज्यादा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, अभी कानपुर में भी पूरा 6 मिनट मिला था और रोड पे रेस हुई थी, और वजन उठाने में सबसे ज्यादा कैंडिडेट बाहर हुए। लगभग हर एक जो सेंटर है वहां पे लगभग 30 से 35 कैंडिडेट ही आज के टाइम दिन क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो फिजिकल कितनी हार्ड हो रही है फायरमैन की। और बनाड़ राजस्थान की बात करूं तो बनाड़ राजस्थान में लगभग 500 कैंडिडेट बुलाए थे, लेकिन 150 के लगभग ही आए थे आज, और पूरा 6 मिनट मिला था और लगभग 25 ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए। 25 में से कट्टे में निकल के तो लगभग 15 ही कैंडिडेट बचे हैं। इलाहाबाद की बात करूं तो 500 कैंडिडेट में से लगभग 50 ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुई है, जिन्होंने रनिंग वगैरह कट्टा वगैरह उठा दिया। तो ये इन इन जगह की नहीं, सभी जगह की यही हालात है। बहुत से कैंडिडेट मतलब रेस्ट जो जिनका टाइमिंग 5 मिनट आ रहा है ना, वो रेस्ट तो क्वालिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन वजन नहीं उठा पा रहे। तो वजन उठाने की उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। जो भी कैंडिडेट अभी जा रहा है तो वजन उठाने की आप प्रैक्टिस कर लो, आप अपने कंधे पे कैसे उठाना है वो मैंने वीडियो बना रखी है। और जो जिन्होंने रेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो वो टेस्ट की तैयारी कर सकता है, अकेडमी में आ सकता है वो, मैं जिस अकेडमी जीनियस मिल्टर की अकेडमी आसी में, तो वहां पे आ सकता। और जिनके अभी ट्रेडमैन के बाकी है ना दिन, हम क्योंकि हर रोज प्रैक्टिस कराता है, अभी मैं स्टेशन पे बैठा हूँ, रात को मैं अकेडमी पहुंचा हूँ, सुबह उनको बच्चों को प्रैक्टिस करा के ही मैं दोबारा ड्यूटी पे आऊंगा। तो जो अभी ट्रेडमैन वाले कैंडिडेट है वो अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। काफी बच्चे अभी आए हुए हैं हमारे पास यूपी वगैरह के, तो आप वो आपकी मर्जी है आपको ज्वाइन करना या नहीं करना, लेकिन आप अपनी तैयारी करके जाइए प्रॉपर। लड़कियों के लिए मेरे को पहले मैं बताया, अफसोस रहेगा। और वजन उठाने के बारे में लगभग सभी ने बता ही दिया नीचे से। और जो दोस्त जिनको पूरा अपडेट नहीं है जाने का, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो जो टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज्वाइन कर ले, वहां से आपको पता चल जाएगा भाई कहां से कैसे जाना है। उसमें लड़के अपडेट देते रहते हैं, जो ये वीडियो वगैरह आई है वो उसी ग्रुप से आई है, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और जो भी अपडेट आती रहेगी उससे अपडेट रहना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।